नमस्कार, एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं आपके मोबाइल फोन्स की। आज की जनरेशन में हर किसी के पास मोबाइल फोन है, लेकिन अगर क्या हो उसमें चलने वाली सिम ही ना रहे तो? जी हाँ, क्योंकि मोबाइल तो रहेगा लेकिन सिम के जो बढ़ते हुए रेट हैं वो बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे, तो आपके फोन में लगने वाली सिम और उसका नेट को आप अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, तो आपका फोन भी किसी काम का नहीं रहेगा। वोडाफोन, एयरटेल और आइडिया में चल रहे कंपटीशन में जो सबसे नंबर वन निकल कर आई है, जियो कंपनी ने अपने रेट बढ़ाने का फैसला कर दिया है। साथ ही इसी की कॉम्पिटिटर चल रही इन चार कंपनियों ने, जिनका वोडाफोन, एयरटेल और आइडिया की सिम्स जो चल रही थी, उन्होंने भी अपने रेट बढ़ाने का फैसला कर दिया है। 3 दिसंबर से उन्होंने अपने रेट बढ़ा दिए हैं और इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि हमारी कंपनी के, हमारी एयरटेल कंपनी के और हमारी जो जितनी भी कंपनियां हैं, इन सब ने 50% के अपने रेट बढ़ाए हैं। साथ ही जियो ने भी ऐलान कर दिया है कि वह 6 दिसंबर से अपने रेट, सिम के रेट 40% बढ़ा देगी। जब इतनी महंगाई हो जाएगी तो सिंपल सी बात है, बहुत ही कम लोग होंगे जो अपने सिम का रिचार्ज कराएंगे। ये खासकर पोस्टपेड में किया गया है, पोस्टपेड वाले रिचार्जों में इस तरह की सुविधा दी गई है। इसे सुविधा कहें या फिर इसे कह दें कि एक तरह की साझेदारी की जा रही है, हम इस तरह से बढ़ोतरी कर रहे हैं क्योंकि कंपटीशन में कोई और सिम ना होने के कारण हम इन्हीं 4 सिमों का यूज करेंगे, लेकिन जब भी इन्हीं के रेट आसमान छू लेंगे तब तो हमारा फोन खाली ही रह जाएगा। ज्यादातर जगहों पे यही हो रहा है कि फोन को खाली रखने की ही मांग की जा रही है। कई लोगों ने तो सिम ही निकाल दी है कि हम इतना महंगा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मोस्टली पोस्टपेड में फायदा होता है कि आप अपना फोन का रिचार्ज किसी भी रेट में करवा सकते हैं, चाहे वो 50 रुपए हो या 500 रुपए में, लेकिन प्रीपेड में आपको एक निश्चित राशि में ही अपना फोन का रिचार्ज करवाना होता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको महीने का बिल पे करना होता है। जब पोस्टपेड में इस तरह की सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं और इस तरह के प्रीपेड में इस तरह की बढ़ोतरी की जा रही है, तो लोग ऑब्वियसली बात है कि प्रीपेड में ही ज्यादा जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रीपेड का सिस्टम महंगा है लेकिन इससे कंपनियों को सबसे ज्यादा फायदा होता है। लेकिन हमें तो उतनी ही राशि पे करनी होगी जितनी की हम उसमें यूज करेंगे। साथ ही इससे हमें भी फायदा होता है और साथ में कंपनियों को भी फायदा होता है। अब समझ में आ रहा है कि जियो के 1 साल नेट फ्री करने के पीछे कितनी बड़ी साजिश रची गई थी। उसने दूसरी सिम कंपनियों को भी अपने साथ मिला लिया था, जैसे कि रिलायंस। रिलायंस जियो ने भी अपने रेट को इसी अकॉर्डिंग रखा है। सिम भी है, फोन भी है, लेकिन उसमें होने वाला रिचार्ज शायद हमारे बजट में नहीं रहेगा। तो आने वाली जनरेशन में ऐसा लग रहा है कि लोग बिना सिम का ही फोन चलाने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।